हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में हम स्पेशल पकौड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत जल्दी बहुत मसालेदार टेस्ट पकौड़ा बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अभी जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम फटाफट पकौड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से झटपट बनने वाला पकौड़ा, जो कि 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो लॉकडाउन में आपके घर में जो भी सामान है उसी से ये पकौड़ा बनके तैयार होने वाला है, यानी कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत जल्दी बनके पकौड़ा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 कच्चे आलू को पीलर से पील कर लिया है। अब हम एक दूसरे बाउल में पानी लेंगे और उस पे एक ग्रेटर रखेंगे, यानी कि मोटी साइज की ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम आलू को ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे लंबे लंबे लच्छेदार आलू गिर रहे हैं पानी में। ऐसे ही हम सभी आलू को ग्रेट कर लेंगे। हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आपको दिखा देती हूँ, इसमें जितना स्टार्च है वो पानी में आ गया है। कभी भी आप चावल साफ करते होंगे तो उसमें से जो स्टार्च निकलता है, सेम समझिए आलू को जब हम ग्रेट करते हैं उससे भी स्टार्च निकलता है। तो वो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस आलू को ऐसे उठाएंगे और दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल देंगे। तो ध्यान रहे, आपको जैसे सुविधा लगे और पानी इसका बिल्कुल निकल जाना चाहिए। इसे हमें बिल्कुल फरारा तैयार करना है। आपको मैं दिखा देती हूँ, अब थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो हम बेसन मैदा के साथ सुखा लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अपनी आलू की लच्छे बिल्कुल फरारे दिख रहे हैं। अब हम इसे एक बड़ा बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये छोटा बॉल है, इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे तो दिक्कत होगा, इसके लिए हमने बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ में हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा तीखा अपना एडजस्ट कर लीजिए, कम मिर्च डालिए। 1/2 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अरारोट का पाउडर। यहाँ पे आप चाहें तो चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, क्रिस्पी होने के लिए हमें ये डालना होता है। बाकी का हम 4 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, नमक डालने के बाद आलू और पानी छोड़ता है। तो हम पकौड़ा के लिए तेल गरम करते हुए और ये मिक्सचर तैयार करेंगे। चलिए हम हाथ से ही इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने आलू से अच्छे से पानी निकाल दिया था तो ये ज़्यादा ढीला नहीं हो पाया है, यानी कि बराबर पेस्ट तैयार हो रहा है अपना। हमें अभी भी बाइंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पे 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच अरारोट का पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं नमक डालने के बाद अपनी आलू में से कितना पानी छोड़ा है। अब हम फाइनल स्टेप करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा धनिया।
ये एक एक पकौड़ा में डाना जाए तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको अच्छा लगता है डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, पर पकौड़े में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। हमने इसे डाल के मिक्स कर लिया। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गरम कर लिया है, थोड़ा गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब हम इसमें एक छोटा सा पकौड़ा डाल के देखेंगे कि अपनी तेल गरम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तेल गरम है। इसी में हम ये छोटे छोटे पकौड़े छोड़ते जाएंगे। एक बार में जितना आ सके ना हम छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे। पकौड़ा को हमें एक साइड से 1 से 1.5 मिनट सेक लेना है, फिर हम इसे छुएंगे, नहीं तो पकौड़ा टूटने लगता है। चलिए हम पकौड़े को एक बार उलट के दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी बढ़िया कड़ाड़ेदार अपनी पकौड़ा तली है। ये स्नैक्स घर में सभी को पसंद आता है। लॉकडाउन है उसमें आप 2 से 3 इंग्रेडिएंट से इसे बनाइए, फटाफट एक जायकेदार नाश्ता तैयार हो जाता है। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे कड़ाड़ा होने तक सेक लेंगे। हमने दोनों साइड से उलट पलट के पकौड़े को सेक लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे टेढ़ा करते हुए और निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर, कड़ाड़ेपन और कितना जल्दी पकौड़ा तैयार हो गया अपना। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया क्रिस्पी कड़ाड़ेदार पकौड़ा बनके तैयार हो गई। तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए, स्नैक्स में तैयार कीजिए, चाय के साथ इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।